यहाँ से कंटिन्यू होगा नेक्स्ट ब्लॉग, तो उज्जैन का पूरा रास्ता हमारा बीच में रुक पड़ेगा या और वहाँ के दर्शन सब कुछ अगले ब्लॉग में दिखाऊंगा। तब तक के लिए इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड टू बी कंटिन्यू। बताऊँ ना बताऊँ है कर दिया खराब। बिना नहाए मंदिर कभी मत जाना, नहा के जाना चाहिए। और दूसरा हाइजीन भी रहती है यार, हाइजीन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सालासर से निकले हैं उज्जैन के लिए 850 किलोमीटर मान्य रखता है, और इतने थक रहे हैं मन भी नहीं कर रहा कि ब्लॉग में क्या बोलूं, समझ भी नहीं आ रहा। अब भूख लगी है तो खाने के लिए रुके हैं एक यहाँ पे ढाबा टाइप है, और यहाँ का लोकेशन अच्छी है, मतलब व्यू अच्छा है मेरे साथ। ये ना यहाँ से इन लोगों ने पहाड़ काटना शुरू किया होगा, फिर बीच में ही छोड़ दिया, और अब अगर वो पत्थर वहाँ से अगर बाय चांस गिरा तो यहाँ से बाउंस होके यहाँ जाके लगेगा। यहाँ से सुंदर लग रही है जगह, मौसम भी बादल भी सब अच्छा हो रखा है, तो भी अच्छी। वो हमारा होटल था या ढाबा, और वहाँ से खाना खाने के बाद हमने सोचा थोड़ा एक्सप्लोर करें, और अब हम यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हैं। बारिश हो रही है मस्त वाली, मज़ा आ रहा है। ये देखो चट्टानियाँ पत्थर हैं वहाँ पर, अगर बाई चांस स्लिप हुई तो कुछ लेके ही जाएगी, बिना लिए तो जाएगी। देखते हैं कुछ अगर अच्छा सा यहाँ मिलता है तो। जगह तो बढ़िया है एकदम। अब मैं यहाँ से रील कंटेंट निकालने की सोच रहा था पर कुछ मिल ही नहीं रहा यार, बारिश भी नहीं दिख रही जो बारिश दिख रही होती कैमरे में। इधर रास्ते में गाइस मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी, तो अब ये 3-in-1 चार्जर लिया है। अब पहले फ़ोन चार्ज करेंगे फिर आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। पहले तो कहीं मिल ही नहीं रहा था, मुश्किल से मिली, चलो अब चार्ज करते हैं। सुबह हो रही थी धूप, अब हो रही है बारिश और देर में रात होने वाली है, और अब रात को भी ठंड। सारे मौसम एक दिन में देखेंगे आज। बहुत बुरी बारिश पड़ रही है, बहुत बुरी, बहुत तेज हो रही है, बढ़िया बारिश हो रही है, बढ़िया। थोड़ा सा शीशा खोल के बारिश देखते हैं गाइस। टनल में एंटर नाम लिखा नहीं है, पता नहीं कौन सी टनल है, लेकिन डिजाइन देख के समझ जाओ राजस्थान का जो फील आ रहा है भाई, बहुत ही प्यारी बना रखी है यार। चलो यार आधा रास्ता तो हमारा क्रॉस हो गया है, अब हम हैं कोटा के पास बूंदी, बूंदी में है अभी फिलहाल, और अब यहाँ से हमें 7-8 घंटे और लगेंगे उज्जैन तक पहुँचने में।
अब हम थोड़ा भूख लग रही थी तो उसका कुछ खा लें, तो अब यहाँ पे भुट्टे खाने के लिए रुके हैं, भुट्टे खा के फिर आगे वापस निकलेंगे। इससे भुट्टे रेडी हो रहे हैं, व्यू का मज़ा लेते हैं। चेक हो रहा है गाइस, हेल्प भी हो रही है उनकी थोड़ी सी, देखा हेल्प करते रहना चाहिए, ज्यादा अपने आप को नेता मत समझ के खड़ा हो करो। मांच भैया मेरी वीडियो खराब हो रही, भुट्टा खराब निकल जाएगा, भुट्टा तो सही निकलेगा। भुट्टा तैयार है गाइस, टेस्ट करते हैं आप कैसा है। मजेदार, कैसा है कैसा है कैसा है। चलो से यार, पूरा आज 12 घंटे ट्रैवल करने के बाद सुबह से अब तक पूरे एग्जैक्ट 12 घंटे लगे हैं हमें यहाँ तक आने में, और अभी भी हम उज्जैन नहीं पहुँचे हैं। अभी भी यहाँ से उज्जैन 170 किलोमीटर दूर है। अभी हम जहाँ पे, इस जगह का नाम है झालरा पतन, और अब हमें यहाँ से लगेगा उज्जैन जाने में पूरे 3 घंटे। तो अब हम कल निकलेंगे सुबह सुबह, और इस ब्लॉग को मैं कल सुबह कंटिन्यू करूँगा। अभी तो हम यहाँ पे रेस्ट करेंगे इस होटल में। इससे पहले ना गाइस 2 होटल देखे हमने, और यकीन नहीं करोगे मैं क्लिप नहीं ले पाया उसकी, क्योंकि इतना अजीब लग रहा था वो होटल, एकदम हॉरर वाइब। मतलब सही में जैसे बॉलीवुड में दिखाते हैं ना कि बड़े बड़े गेट हैं और खुलने पे एकदम अजीब सी वाइब आती है, कि घुसते ही सेम डिटो वो थी, स्मेल भी बहुत गंदी थी, और एक को नहीं हम सबको इतनी गंदी नेगेटिव वाइब आई कि हम तो वहाँ से निकल गए। और इतनी डरावनी प्लेस थी ना, वो आसपास कोई भी नहीं था वहाँ पे, और उस होटल में भी कोई नहीं था, हम अकेले पहले कस्टमर होंगे उनके आगे, या मुझे तो लग रहा है पहले भी कोई नहीं आया होगा ऐसी जगह पे। तो अब जिस होटल में आए, ये होटल अच्छा है, बहुत अच्छा है, स्टे लायक है। तो अब हम यहाँ पे रुकेंगे और इस ब्लॉग को मैं कल कंटिन्यू।